राम राम आप सभी को। एक बात आप लोगों ने इस बार सुनी ही होगी कि इंडिया में इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव चलने वाली, और इस गर्मी के मौसम में हम अगर एसी खरीदते हैं बिना किसी जानकारी के, तो ट्रस्ट में दोस्तों ऐसे बहुत सारे एसी हैं जो खरीद तो लोगे लेकिन इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर में काम नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने आज की ये पूरी वीडियो देख ली तो आप लोगों को एसी से रिलेटेड जिंदगी में दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी चीजें बताऊंगा जो ब्रांड्स आप लोगों को बिल्कुल भी पता चलने देना नहीं चाहती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, फिर एसी आप लोगों को कहीं से भी खरीदना हो, कोई भी खरीदना हो, आप अपने लिए परफेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर पाओगे और कोई भी ऐसी जानकारी नहीं रहने वाली है जो आप लोगों को पता नहीं होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, यू आर वॉचिंग प्रोडक्ट बाजार, और आज हम बात करने वाले हैं एसी बाइंग गाइड के बारे में। और मैं आप लोगों को भले ही विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो या हॉट एंड कोल्ड एसी हो, सारे एसी भी सजेस्ट करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, बेसिकली चार टाइप के एसी होते हैं। एक तो विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी होता है, पोर्टेबल एसी होता है, और पिछले एक दो सालों से हॉट एंड कोल्ड एसी भी आने लग गए हैं जो कि स्प्लिट एसी में ही एक फीचर होता है। बट बात यहां पर यह है कि आप लोगों को एक विंडो एसी खरीदना चाहिए आज की डेट में या एक स्प्लिट एसी खरीदना चाहिए, बिकॉज लोग विंडो एसी को आजकल अच्छा नहीं मानते। तो बात यहाँ पर यह है कि जो विंडो एसी होता है वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एसी होता है। उसमें सिर्फ एक ही यूनिट मिलती है आप लोगों को जो आपकी विंडो में लग जाती है। तो अगर 20 से 25,000 रुपए का आप लोगों का बजट है और आप लोगों को एक अच्छा एसी चाहिए तो विंडो एसी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी में बेसिकली दो यूनिट होती है। एक यूनिट तो वॉल पे ऊपर की तरफ हैंग की जाती है और दूसरी आउटडोर यूनिट आप बाहर आउटडोर में लगवाते हो। स्प्लिट एसी आप वहां पर लगा सकते हो जहां पर आप लोगों को ज्यादा स्पेस में कूलिंग चाहिए, बड़ा आप लोगों का स्पेस है, या आप लोगों को इंटीरियर खराब ना करना हो अपने घर या ऑफिस का। तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन हम एसी जब भी खरीदते हैं तो 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का एसी तो एटलीस्ट इंसान लेता ही लेता है, बिकॉज स्प्लिट एसी तो इसी प्राइस रेंज में आते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि भाई हम एसी तो ले लेंगे लेकिन कितने टन का एसी ले, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग 100 या 120 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक 1 टन का एसी कंसीडर कर सकते हो। 120 से 150 स्क्वायर फीट के लिए आप 1.5 टन का एसी कंसीडर कर सकते हो, और 200 स्क्वायर फीट से अगर ज्यादा एरिया है आपके रूम का तो आप लोग वहां पर 2 टन या उससे ज्यादा कैपेसिटी का एसी भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आप जब हम 40, 50, 60 हजार रुपए एसी पे लगाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के एसी में होनी बेहद जरूरी है। अगर ये फीचर आप लोगों के एसी में नहीं है तो फिर जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट करा है वो वर्थ इट नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एयर फिल्टर आप लोगों के एसी में होना चाहिए। एयर फिल्टर का बेसिक फंक्शन यही होता है कि ये डस्ट, एयर में से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोलन वगैरह होते हैं, उनको रिमूव करता है। ये काफी काम का और यूजफुल फीचर है। इसके अलावा दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो है कंडेंसर कॉइल का होना। हमेशा ऐसा एसी लीजिए जिसमें कंडेंसर कॉइल हो, जिससे कूलिंग आप लोगों को काफी जल्दी मिल सके। नेक्स्ट है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो कि आपके एसी में होनी बेहद जरूरी है। आजकल एसी स्मार्ट आने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी इन्वर्टर तो छोड़ो, डबल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो कि सिर्फ नाम की टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए अपने एसी में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस वगैरह से आप लोगों के एसी में दिक्कत ना आए। ये नहीं कि कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर सेम है और कंप्रेसर चलता ही रहे, बिजली खाता ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल एंड डस्ट फिल्टर। अब एसी की वीडियो हमने पिछले साल भी बनाई थी, उससे पिछले साल भी बनाई थी, लेकिन तब ये चीज़ें उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। हालांकि मैंने आप लोगों को बताई जरूर थी, लेकिन आज की डेट में ये फीचर तो मस्ट हैव फीचर हो चुका है। ये जो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर होता है, ये आपकी हवा में से मौजूदा कंटेमिनेंट्स को निकाल देता है, भले ही वो बैक्टीरिया हो, माइट्स हो, कोई एलर्जेंस हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, पोलन हो, कुछ भी हो, मतलब एयर को फिल्टर आउट करके फ्रेश, क्लीन, हाइजीनिक एयर आप लोगों को ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करता है। इस फीचर को बोलते हैं थर्मोस्टेट फीचर, बहुत से एसी में मिल जाता है। ये क्या करता है कि जब आप एसी चलाते हो, लेट से आपने 20 पे या 21 पे टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो जब आप लोगों का डिजायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, ये एसी खुद को बंद कर लेगा, टर्न ऑफ कर लेगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट कूलिंग अगेन। तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट फीचर बेसिकली है जो एक एसी में आज की डेट में आने लग गए हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे एसी आ गए हैं, एक एलजी का एसी है, उसमें एनर्जी मैनेजमेंट आप लोगों को मिलता है, मतलब
आप अपने हिसाब से उसका एनर्जी कंजप्शन सेट कर सकते हो। आपको एसी 60% पे चलाना है, 40 पे चलाना है, 80 पे चलाना है, वो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सेट कर सकते हो कि भाई मुझे बिजली का बिल ज्यादा नहीं देना, कम देना है। तो एसी वहां पर आप लोगों के लिए कूलिंग थोड़ी सी कम जरूर करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों का बहुत कम आएगा। और वीडियो अब तक यहां तक आप लोगों को अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, कुछ पते की बात अगर आप लोगों को लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, और प्यार हमें आप लोगों के लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब के रूप में दिख पाता है, जिससे हमें इस तरीके की डिटेल वीडियो बनाने के लिए ना और हिम्मत और जोश और मोटिवेशन आ पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई एसी कौन सी कंपनी का ले। मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं, आप लोगों के मन में भी होगा कि यार इतनी कंपनी है, कौन सी कंपनी का एसी। एलजी के काफी अच्छे होते हैं, पैनासोनिक के काफी अच्छे होते हैं, गोदरेज के भी एसी बजट फ्रेंडली आते हैं, अच्छे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रशांत भाई ऐसा कौन सा एसी है जो इजी टू मेंटेन हो, जिसमें ज्यादा पैसे ना लगे, मेंटेनेंस वगैरह ना लगे। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, विंडो एसी सबसे अच्छा होता है मेंटेनेंस वाइज तो, लो रनिंग कॉस्ट वाइज तो। एंड फोर्थ पॉइंट है कि एसी मैक्सिमम कितना चल सकता है, कितने साल तक चल सकता है। इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे दीजिए नीचे कमेंट करके कि आप लोगों के घरों में जो पुराने एसी है वो कितने सालों से चल रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट ये है जो कि मैं स्क्रिप्ट में डालना भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आया, कि हॉट एंड कोल्ड एसी आप लोगों को मिलने लग गए हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों ना हॉट एंड कोल्ड एसी ले ले, भाई सर्दियों में भी काम करेगा, गर्मियों में भी काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, आप लोग ले सकते हो, लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, और इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नॉर्मल स्प्लिट एसी से आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो एसी में आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्रांड की वारंटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी एसी की यूनिट पर आप लोगों को 1 साल की वारंटी मिलती है, आउटडोर यूनिट पे कंप्रेसर पे आप लोगों को 5 साल की वारंटी मिलती है। अब एसी से रिलेटेड आप लोग ए टू जेड सारी चीजें जान चुके हो। इसके अलावा भी ब्रांड आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा फीचर्स बताती है, कुछ और अलग सा नाम बताती है, तो समझ जाना मार्केटिंग गिमिक्स है, क्योंकि ब्रांड आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना ही चाहती है। बट मेरे रहते हुए, और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यूजफुल प्रोडक्ट ही लोगे विद यूजफुल फीचर एट राइट बजट। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि कौन कौन से एसी ऐसे हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और सभी एसीज के बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहला एसी की, तो आप लोग पैनासोनिक का 1.5 टन एसी कंसिडर कर सकते हैं। 1.5 टन से मतलब ये है कि ये 1 टन की कैपेसिटी में भी आता है और ये 2 टन की कैपेसिटी में भी आता है। स्मार्ट एसी है, एंटी कोरोसिव कोटिंग आप लोगों को एसी में मिलती है, स्विंग फीचर, 7-in-1 कन्वर्टेबल, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एलेक्सा के साथ में भी काम करेगा और गूगल के साथ में भी काम करेगा। एंड 5-स्टार रेटिंग के साथ में ये एसी आता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे आप लोगों के सेव कर देगा। दूसरा ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो वोल्टास की तरफ से आने वाला 2 टन एसी। अब ये भी 1 टन 1.5 टन 2 टन कैपेसिटी में आता है और 3-स्टार प्रोडक्ट है, बेहद कमाल का है। वोल्टास इज ए प्रोडक्ट बाई टाटा, तो टाटा में तो हमें किसी तरीके की दिक्कत वैसे ही नहीं आएगी। क्वालिटी वाइज तो कोई दिक्कत आप लोगों को वोल्टास में देखने को नहीं मिलेगी। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एसी के बारे में ए टू जेड पूरी नॉलेज हो चुकी है। अगर ये वीडियो वास्तव में आप लोगों को फायदे की लगी, काम की लगी, यूजफुल लगी, तो अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों का सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर जो इतनी मेहनत करते हैं, हमें अंदर से मोटिवेशन आता है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कॉमेंट करने से। तो कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा, कुछ पूछना है जरूर पूछिएगा। आप लोगों की एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, एक भी कमेंट ऐसी नहीं रहेगी जिसका मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी, राम राम।